मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम में पोस्टर पर कोहराम मचा हुआ है। राजधानी भोपाल के एक इलाके में पूर्व सीएम कमलनाथ का आपत्तिजनक पोस्टर नजर आने के बाद कांग्रेस ने हंगामा मचा दिया। वांटेड लिखे इन पोस्टर्स पर कमलनाथ की तस्वीर के साथ ही क्यूआर कोड भी छपा हुआ है। ये पोस्टर कर्नाटक चुनाव के दौरान बंगलुरु के कई हिस्सों में लगे उन पोस्टर्स की याद दिला रहे हैं जिनमें वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीर के साथ क्यूआर कोड छपा था और लिखा था कि सीएम पे फॉर करप्शन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें। अब भोपाल में कमलनाथ के खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स में कुछ वैसा ही प्रयोग किया गया, लेकिन सवाल यह कि राजनीतिक लड़ाई में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा क्यों नहीं खींची जा रही। रिपोर्ट देखिए। इन पोस्टर्स ने मध्य प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस आग बबूला है और कांग्रेस ही खूब हो हल्ला मचा रही है। इन पोस्टर्स पर क्यूआर कोड के बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ की तस्वीर लगी है और साथ में लिखा है वांटेड। इतना ही नहीं, कमलनाथ के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। कुछ पोस्टर्स पर लिखा है कि स्कैम से बचने के लिए स्कैन करें। दरअसल ऐसी पोस्टरबाजी का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले कर्नाटक चुनाव के दौरान बेंगलुरु के कई हिस्सों में पोस्टर नजर आए थे जिसमें वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीर के साथ क्यूआर कोड छपा था और लिखा था कि सीएम पे फॉर करप्शन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें। कर्नाटक चुनाव का पोस्टर प्रयोग अब भोपाल में भी दिख रहा है। कमलनाथ के खिलाफ लगे इन पोस्टर से आग बबूला कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा मचाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का दावा है कि किसी बड़े नेता के इशारे पर किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने ऐसा किया है। उन्होंने मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की साजिश भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता द्वारा किसी बड़े नेता की साजिश पर की गई है। कमलनाथ जी का चाल चलन चेहरा सभी प्रदेश की जनता को मालूम है। कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में प्रदेश के विकास लिए कार्य किए वो प्रशंसनीय है और आगामी 2023 के चुनाव में पता चल जाएगा। मैं ऐसी लोगों के द्वारा जिस प्रकार की घटना की है, मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अनुरोध करता हूँ कि अगर आपकी पार्टी का किसी का हाथ नहीं है तो इसकी उचित सी जांच कराएं और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। उधर पोस्टर को लेकर कमलनाथ का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। अगर भ्रष्टाचार किया है तो 3 साल से बीजेपी सत्ता में है, कार्रवाई क्यों नहीं की? ये जो भ्रष्टाचार के पोस्टर लगाए आपको लगा, मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर, किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर। ये आज उंगली उठा रहे, कह रहे कमलनाथ भ्रष्ट है। हमारी सरकार चली थी, 3 साल से ये सरकार में है। अगर हमारे सरकार में भ्रष्टाचार था, इन्होंने केस क्यों नहीं चलाया, इंक्वायरी क्यों नहीं करी? आज इनके पास कहने को कुछ नहीं है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शर्मा का कहना है कि ऐसे पोस्टर्स की जानकारी मीडिया के जरिए उन्हें मिली है। उन्होंने कहा है कि ऐसा किसने किया ये कमलनाथ ही बता सकते हैं। मुझे सुबह कुछ मीडिया के मित्रों के फोन आए, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पोस्टर भोपाल के अंदर लगे हैं, करप्ट नाथ कमलनाथ। और मीडिया के मित्रों ने कहा कि उसमें क्यूआर कोड है और क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो श्रीमान करप्ट नाथ की पूरी चरित्रावली आपको उसके अंदर दिखाई देगी। ये जनता जनार्दन ने, अब किलों ने इन सारी चीजों को किया होगा, ये तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ही बता सकते हैं। हद तो तब हो गई जब इस पोस्टर के जवाबी पोस्टर भी लग गए। बहरहाल पुलिस ने इन पोस्टर्स को लगाने वालों की तलाश तेज कर दी है। सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर पोस्टरबाजों की तलाश की जा रही है। पोस्टर्स कांड पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सियासी तापमान तेजी से चढ़ता ही जा रहा है। अनुराग श्रीवास्तव के साथ शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 भोपाल।